तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। पंजाब पर पूरे देश की नजर है। कहा जा रहा है कि आज शाम 5 बजे कांग्रेस कार्यालय पर होने वाली बैठक में कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस आकलमन ने कैप्टन अमरजीत सिंह से इस्तीफा लेने का मन बना लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैप्टन अमन सिंह के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के जरिए कांग्रेस आलाकमान को संदेश भिजवा दिया गया है, अगर उन्हें इस तरह से अपमानित किया गया तो पार्टी से इस्तीफा देंगे। बेंगलुरु में 9 महीने के बच्ची की मौत और परिवार के 4 सदस्यों की कथित आत्महत्या को चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शवों के साथ घर में 5 दिन से रह रही नाबालिग बच्ची को पुलिस ने घर से बाहर निकाल लिया है। शुक्रवार की रात ब्यादरहल्ली थाना क्षेत्र में 5 शव घर के अंदर मिले हैं, जहां से पुलिस ने 2.5 साल की बच्ची प्रेशा को बाहर निकाला है। वह लगभग अचेत अवस्था में मिली है। बच्ची उसी घर में रहती थी जहां उसकी माँ सिंचना, दादी भारती, माँ की बहन सिंधु रानी, माँ के भाई मधुसागर के शव छत से लटके हुए मिले हैं। लड़की उसी कमरे में मिली है जहाँ मधुसागर को फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। प्रेशा को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा लिया गया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के टिकट 2 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि बाबुल सुप्रियो अभिषेक बैनर्जी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी ने बाबुल की टीएमसी ज्वाइन की तस्वीरें ट्वीट पर खुद साझा की। आयकर विभाग ने अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ कथित कर चोरी की जांच का दायरा बढ़ा दिया है और बीते शुक्रवार को मुंबई, नागपुर और जयपुर में उनके कई परिसरों पर छापेमारी की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि विभाग ने बुधवार को 48 वर्षीय अभिनेता और उनसे जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कहा कि तलाशी अब मुंबई, नागपुर और जयपुर में इसके अलावा भी अन्य स्थानों पर की जा रही है। पिछले 24 घंटों में देश भर से कोरोना संक्रमण के 35,662 नए मामले सामने आए हैं और 33,798 मरीज इस बीमारी से उबरने में सफल रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 281 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए नए मामले में से अकेले केरल को कोरोना वायरस के 23,260 मामले और 131 की